डियर स्टूडेंट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन ऑफ वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स मैथमेटिकली हमने चेक कर लिया कि वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स क्या है अब हम उसको नुमरिकली चेक करते हैं कि उसकी कैसे पार्टीशन हुई इनडिपेंडेंट कैसे हम उसमें से कह सकते हैं वेरिएबल्स हैं डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं उसका जो सिनारियो है जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं दोस्तों दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पार्टीशन ऑफ वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स हेयर इज द एग्जाम्पल Let we have the let random vector. This is the vector x1, x2, x3. Has a mean vector mu t, t stand for transpose minus 3, 1, and 4. This is the mean vector and the variance covariance matrix. So we have given the variance covariance matrix and the mean vector. Which of the following random variables are independent? Which of the following?

तो so, x1, x2 हम फर्दर इसकी पहले तो हम इसकी पार्टीशनिंग कर लेते हैं या पार्टीशनिंग नहीं आप यहाँ पे इसको देख लो हम इसे फर्दर कैसे पार्टीशन कर रहे हैं सो so, x1 वन एंड एक्स आर नॉट इंडिपेंडेंट कैसे पता चला हमें x1, x2 इंडिपेंडेंट नहीं है बिकॉज वी नो दैट दिस इज द x1, x2 एंड दिस इज द x3 ये आपके पास क्या होता है सेगमा वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स में डायगनल हमारे पास वेरियंसेज हैं और ऑफ टाइगनल हमारे पास को वेरियंसिस हैं को वेरियंस की वैल्यू अगर जीरो होगी तो यू कैन दैट सेज आर इंडिपेंडेंट। और इफ इट इज नॉट देन यू कैन से दीज आर डिपेंडेंट। सो एक्स वन एक्स टू इनकी हमारे पास कोवेरियंस कहाँ है दिस इज वैल्यू ऑफ द को वेरियंस ऑफ एक्स वन एक्स टू सो हेयर सोल्यूशन ए पार्ट क्या है एक्स वन एंड एक्स टू आर नॉट इंडिपेंडेंट क्यों नहीं independent? Because उसकी value है इंडिपेंडेंट बिकॉज उसकी वैल्यू है माइनस टू सेगमा वन टू आपके पास आपके पास फर्स्ट वैल्यू वेरियंस है ना यू नो दैट दीज आर दाइगनल आर दी को वेरियंसिस दिस इज दिग्मा वन टू और सेगमा वन टू हमारे पास माइनस टू है या हम कहते हैं सेगमा टू वन वो भी माइनस टू है तो फर्स्ट हमारे पास ए पार्ट हम आ हो गया कि हमने बस बता देना है कि रैंडम वेरिएबल हमारे पास नॉट इंडिपेंडेंट है बिकॉज को वैल्यू जीरो नहीं है सो द बी पार्ट एक्स टू एंड एक्स थ्री आर इंडिपेंडेंट क्या एक्स टू एंड एक्स थ्री रैंडम वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है चेक करते हैं एक्स टू एक्स थ्री ओके दिस इज दिग्मा वन एंड दिस इज दिग्मा अब आपके पास क्या है दिस इज दी सिग्मा आपके पास है वन दिस इज सिग्मा वन थ्री को वेरियंस इज है वन एंड थ्री की ये आपके पास वेरियंस है दिस इज दी सिग्मा टू टू दिस इज दी सिग्मा टू वन दिस इज दी सिग्मा थ्री वन थ्री टू टू थ्री एंड सिग्मा थ्री अब वेरियंस को वेरियंस ये तो आपके पास हो गए थ्री तो की, तो की जो आपके पास को है, वो जीरो है या नहीं? ये आपके पास हो गया टू थ्री बेसिकली दिस इज दी टू थ्री एंड दिस इज दी टू तो टू थ्री सिग्मा टू थ्री जीरो हम सिग्मा थ्री टू देख भी जीरो है हमारे पास तो क्या हो गया सेकेंड पार्ट दिस इज दी

X1, X2 कंबाइन है और हमने किसके साथ चेक कर रहे हैं हम X3 के साथ उसका इफेक्ट चेक कर रहे हैं तो इसको हमने फर्दर अब सी पार्ट कैसे बनाया हमने इसमें X1, X2 वेरिएबल्स अलग किए और हमने इनका इफेक्ट पार्टीशन किया X3 थ्री सो एक्स वन को बेसिकली हमने कह दिया दिस इज दी वाई और X3 हमने एज इट इज़ ले लिया दिस इज़ दी एक्स क्या किया हमने x1 x2 को कंबाइन करके उसको हमने नाम दे दिया वाई का एंड दिस इज दसपोज और नेक्स्ट हमारे पास है एक्स थ्री जिसके साथ हमने उसको पार्टीशन करके उसका इफेक्ट चेक करना है सो आर पार्टीशन कैसे हमने उसको पार्टीशन किया है हमने यहाँ पे दिस इज द एक्स टू एंड दिस इज द एक्स थ्री और एक्स वन एक्स टू को हमने क्या कह दिया दिस इज दाई एंड दिस इज द आपके पास इज दूगमाशन किया हमने थ्रू एक्स वन एक्स टू को कम्बाइन और एक्स थ्री के हमने पार्टी किया अब इसकी पार्टी के अकॉर्डिंग आप देखो हेर इज दिग्मा वन वन दिस इज दिग्मा वन वन अभी मैंने आपको बताया माइनस वन माइनस टू माइन माइनस टू एंड फाइव और हम इसे क्या कह रहे हैं सिग्मा वाई बिकॉज हमने इसका नाम वाई लिया एंड सिग्मा वन टू सिग्मा वन टू जिसको हम कह रहे हैं वाई थ्री ये क्या है आपके पास दीज आर दी जीरो सिग्मा वन टू हमारे पास क्या हो गई है जीरो वैक्टर सो वाई एंड एक्स थ्री आर इंडिपेंडेंट क्यों इंडिपेंडेंट क्योंकि हमने उसकी कोवेरियंसिस देखनी है तो कोवेरियंस ये तो सिग्मा वन वन तो वेरियंस हो गया सिग्मा टू टू तो वेरियंस है ऑफ डाइगनल कोवेरियंस है ना तो यहां पे आपके पास वन टू जीरो जीरो और यू कैन से दैट द टू वन जीरो जीरो तो हमारे पास क्या हो गया रिजल्ट वाई एंड एक्स थ्री आर इंडिपेंडेंट इसका भी रिजल्ट हमारे पास हो गया इंडिपेंडेंट दिस इज दी पार्ट एंड द डी पार्ट इज द एक्स वन प्लस एक्स टू बाय हाफ एंड एक्स थ्री अगेन अब हमने देखना है एक्स वन प्लस एक्स टू हाफ एंड एक्स थ्री सो दिस इज दी पार्ट अब एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू इसको हमने लेट कर लिया दिस इज दाई वन अब इसके कोफिशन क्या, क्या है एक्स का क्या है वन बाई टू एक्स टू का क्या होगा वन बाई टू एक्स थ्री आपके पास है नहीं तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई जीरो ना एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आप इसको मल्टीप्लाई करो तो अगेन वाई वन ही हमारे पास आएगा इसको हम क्या कह रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है दिस इज द द ए ए ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज एक्स ठीक है दिस इज तो A आपके पास बेसिकली क्या हो गया एंड जीरो ए ट्रांसपोज ए अब हमने किसका देखना था वाई वन का इफेक्ट जिसको वाई वन हमने लेट कर दिया एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू इसका हमने चेक करना था इंडिपेंडेंस किसके साथ एक्स थ्री के साथ एक्स so, थ्री में भी हमने देखा है एक्स वन एक्स टू नहीं है so सो जीरो करने के लिए यानी कि उससे हम देख लें है तो हमने यहाँ पे लेट कर दिया दिस इज दी ट्रांसपोज तो बेसिकली बी आपके पास क्या है बी आपके पास है जीरो जीरो वन तो हमने बी ट्रांसपोज लिया देन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इसको आप अगेन यहाँ पे करो जीरो एक्स वन जीरो रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा अब डीप पार्ट में हमारे पास क्या हो गया वाई वन और एक्स थ्री के बिटवीन हमने चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है बिटवीन एंड एंड सो इज द ऑफ को हम कैसे लिखते हैं ए ट्रांसपोज एक्स बी ट्रांसपोज एक्स और यू नो दैट के कोवेरियंस मल्टीवेरिएट में कैसे लिखा जाता है दिस इज द ट्रांसपोज वेरियंस ऑफ एक्स एस बिकॉज दिस इज इसलिए हमने उसको एक्स एक्स ऑफ इसको, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एक्स एक्स का, तो यहाँ पे अगर आपने चेंज करना है तो वो कर सकते हैं यहां पे हमारे पास नोटेशन जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स एंड बी सो फर्दर ए ट्रांसपोज कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स गिवन बी अब यहां से आपके पास क्या हो गया ए ट्रांसपोर्ट दिस इज दसपोर्स टेग्मा वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है एंड दिस इज दी सो ए ट्रांसपोर्ज सिग्मा बी क्या है आपके पास ए ट्रांसपोज सिग्मा बी फर्दर अब हम इसे सॉल्व करें कैसे सॉल्व होते हैं यू नो दैट इक्वेशन फर्स्ट अब आपके पास ऑर्डर क्या आएगा सबसे पहले हम ऑर्डर चेक कर लेते हैं हमने फर्स्ट टू को किया Here is the one row and three column. And this is the three rows and the three column. So order one row and three column. One cross three ka paas order anem. So one by two multiply by one. First this row multiply by this column. Then this row multiply by second column. And this row multiply by third column. तो फाइनल हमारे पास आ गया वन बाई टू माइनस वन फाइनल नहीं इनको हमने मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आ गया बी एज इट इज बी एज इट इज हमने रखा देन फर्दर बी को आपने मल्टीप्लाई किया दिस इज क्रॉस एंड दॉर इज दी क्रॉस वन तो फाइनल क्या होगा वन क्रॉस वन मीन्स स्केलर वैल्यू आपके पास आनी है और स्केलर वैल्यू जब आपके पास जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर वन मल्टीप्लाई बाय जीरो व्हिच इज इक्वल्स टू जीरो सो यू कैन से दैट वाई वन एंड एक्स थ्री आर इंडिपेंडेंट क्यों क्योंकि हमारे पास उसकी को वेरियंस जो है जीरो के एक पर लाइए फर्दर द ई पार्ट ई पार्ट में भी हम चेक करते हैं स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास ई e की एक्स टू एंड एक्स टू माइनस फाइव बाई टू एक्स वन माइनस एक्स थ्री इसका इफेक्ट हमने चेक करना है कि ये हमारे पास इनडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है सो एक्स टू अब एक्स टू में आपके पास कैसे हम उसका वो ए ट्रांसपोर्स वाली टर्म बनाए एक्स टू जीरो वन जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लीनियर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसे कर रहे हैं ना ट्रांसफॉर्म कर लिया हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में जीरो वन जीरो अब फर्दर इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्स टू ही आंसर आएगा सो so, नेक्स्ट जो आपके पास सेकेंड टर्म थी उसको हमने लेट कर दिया दिस इज दी वाई वन अब किसके बिटवीन निकालनी को माइनस फाइव बाई टू एक्स टू के साथ वन एंड माइनस एक्स थ्री के साथ माइनस वन हेर इज दूफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हमने उसको कह दिया बी ट्रांसपोज एक्स फर्दर हमारे पास अब इसकी को वेरियंस निकलनी है और को वेरियंस के बाद हम देखेंगे आंसर अगर जीरो आ गया तो दीज आर दी इंडिपेंडेंट इफ इट इज नॉट सो वी कैन से दी डिपेंडेंट सो वाई टू एक्स टू वाई वन को वेरियंस क्या हो गया ए ट्रांसपोज एक्स बी ट्रांसपोज एक्स को वेरियंस कैसे लिखेंगे हम ए ट्रांसपोज को वेरियंस ऑफ एक्स एक्स बी और को वेरियंस ऑफ एक्स वी नो दैट दिस इज दस मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू सिग्मा ए ट्रांसपोस, दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ़ ए ट्रांसपोस, ठीक है? अब ए ट्रांसपोस है, यहाँ आपके पास ये बी ट्रांसपोस है, तो बी क्या होगा? बेसिकली हमारे पास माइनस फाइव बाय टू, वन एंड माइनस, दिस इज़ दी बी. सो फर्स्ट दिस इज़ दी ए ट्रांसपोस, सिग्मा एंड दिस इज़ दी बी. फर्दर इसे हमने सिंप्लीफाई किया है सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है फाइव प्लस फाइव कैसे माइनस टू मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव बाय टू प्लस फाइव माइनस वन मल्टीप्लाई बाय जीरो तो जीरो टू कैंसिल हो गया माइनस माइनस फाइव प्लस फाइव इक्वल्स टू टेन अब कोवेरियंस का आंसर क्या आया कोवेरियंस का आंसर आ गया टेन सो यू कैन से सेक्स टू एंड आर नॉट इनडिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल सो पार्ट ई में हमने देखा एक्स टू एंड वाई वन आर डिपेंडेंट केस क्यों डिपेंडेंट बिकॉज द को वेरियंस ऑफ द एक्स टू एंड वाई वन हमारे पास जो हमने लेट की है विच इज नॉट इक्वल्स टू दीरो रेंडम वेरिएबल्स कोवेरियंस ऑफ द रेंडम वेरिएबल्स इक्वल्स टू जीरो so we can say that these random variables are the independent if it is not equals to zero so we can say that these random variables are the dependent so this is the scenario of the example of the partition of variance covariance metric